झारखंड राज्य के गुमला जिला में आज भी अंधविश्वास कायम है। इससे शासन या प्रशासन की विफलता साबित होती है। मामला बिश्नपुर प्रखंड के बानालात गांव में एक बीमार युवक का 34 वर्ष ओझा झाड़ फूंक कर रहे थे, तभी वीडियो पहुंचे। बीमार युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक तरफ जहां कोरोना को हराने के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल किट भेजने से लेकर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुमला के बिश्नपुर में लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के बजाय घर में ही ओझागुनी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक करा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ टीका देने वाले हेल्थ वर्कर्स को ग्रामीण गांव के बाहर खदेड़ दे रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि कोविड-19 के इंजेक्शन लेने से बुखार के बाद मृत्यु हो जाती है। कुमला के मंजीरा गांव में ANM को देखते ही घंट पीट कर इकट्ठा हो गए और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। ये वैक्सीन लेने का बहिष्कार कर रहे हैं। सर्दी बुखार आने पर लोग झोला छाप डॉक्टर व ओझा मती का सहारा लेकर अपना इलाज घर पर ही करा रहे हैं। इसके कारण कई लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। दो केस स्टडी से समझिए गुमला के हालात। बिश्नपुर प्रखंड के बानालात गांव में एक 34 उम्र का युवक बीमार था, जो कि ओझा झाड़ फूंक करा रहा था। जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भट्टाचार्य मौके पर पहुंची। प्रशासन की टीम को देखते ही ओझा फरार हो गया। आनन फानन में युवक को अस्पताल तक पहुँचाया गया। मंजीरा गांव में हेल्थ वर्कर्स पर हमला भी किया है। यहां टीकाकरण करने गए स्वास्थ्य कार्यकर्ता व ANM को ग्रामीणों ने गांव में घुसते देख घंटा बजाकर इकट्ठा हुए और वहां से खदेड़ दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रखंड प्रशासन मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का काम कर रही है। वहीं जिला के उपायुक्त ने बताया कि जिस तरह ग्रामीण इलाकों के लोग अंधविश्वास में हैं, उससे जागरूक अभियान चलाकर उसे समझाया जाएगा। वहीं जिला के उपायुक्त ने बताया कि जिस तरह ग्रामीण इलाकों के लोग अंधविश्वास में हैं, जागरूक अभियान चलाकर उसे समझाया जाएगा। सर, इसके लिए प्रचार की ओर से किया जा रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बार बार हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लोग इसमें आप लोगों का भी, मीडिया वाले का भी साथ लेंगे, जनप्रतिनिधियों का भी साथ लेंगे, धार्मिक गुरु का भी साथ लेंगे। सबों को बोला गया है और ये जो अफवाह है उसको दूर होने में हो सकता है थोड़ा लेट लगे, लेकिन ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो हम लोगों का टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लें समय पर। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।